क्यों मनाया जाता है नागपंचमी का त्योहार? जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो नाग ने माता की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि वह राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएं। श्राप के डर से नाग घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने नागों के श्राप से बचने के लिए बताया कि नाग वंश के महात्मा जरत कारु के पुत्र आस्तिक उत्पन्न होंगे, वही आप सभी की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने नागों की रक्षा के लिए यह उपाय पंचमी तिथि को बताया था। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी वाले दिन ही नागों को यज्ञ में जलने की रक्षा की थी और इसके जलते हुए शरीर पर दूध की धार डालकर इसको शीतलता प्रदान की थी। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागवंश का भय नहीं रहेगा। तभी से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाने लगी।